भैया धाकड़ तो नाम ही गलत रखे हैं पिक्चर का। अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कायदे से तो जिस हिसाब से मुंह के बल गिरी है, इसका नाम होना चाहिए था धड़ाम। तो जैसा नाम वैसा काम हो जाता। सबसे मजेदार तो पिक्चर का आठवा दिन रहा। अरे भैया ऐसा ताबड़तोड़ बिक्री भई है टिकट की पूछिए मत, एकदम रेला। अरे हिंदुस्तान की सड़कों में कभी ऐसा जाम नहीं देखा गया। पूरी की पूरी 20 टिकटें बिक गई भैया। और ऐसा बम्पर कलेक्शन हुआ है कि फिल्म के प्रोड्यूसर बाकायदा अंडरग्राउंड हो लिए हैं। का मालूम कब इनकम टैक्स दाव के धावा बोल दे। तो भैया नोट करिए, पूरे के पूरे 4,420 रुपया का कलेक्शन हुआ है। टिकट खरीदने वालों में से कुछ तो बता रहे हैं कि गलती से ही टिकट बुक हो गया, और बाकी वो टाइप वाले हैं जो कोनो और सन्नाटे की तलाश में आज भी सिनेमा हॉल की जाते हैं। बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, मतलब मैं पूरा सोई हूँ। बोला ना सो जा रहे, पिक्चर का टाइटल सो जा रहे होना चाहिए था, धाकड़ क्यों रखा। क्या बनाया, क्या किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कंगना मैडम का हाल बेहाल है, वैसे भी बड़ी मुश्किल से तो पिक्चर मिला करती हैं, और उसके बाद ये हाल, मार्केट वैल्यू की बेइज्जती हो जाती है। तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। असल में कुछ दिनों से इनके अंदर पॉलिटिक्स ज्यादा फड़फड़ा रही थी, जैसे वो जहाँ मौका मिलता बस वह निकलती। तो मैडम के जो बड़े वाले फैन रहे वो भी सोचत रहे कि शायद पॉलिटिक्स ही ज्वाइन कर ली है। बाकी देश को आजादी 2014 के तो बाद ही मिली है। ठीक थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। असल में मैडम को भी अब फिल्मी लाइन में कौनो मजा तो आ नहीं रहा है। काहे से छोटे से लई के बड़े से बड़ा अवार्ड पहले ही कब्जिया चुकी हैं, अब कछु करने को बचा ही नहीं है। अब ई तो अपनी करोड़ों की फीस लेके निकल ली है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन वो प्रोड्यूसर जो दिन दहाड़े रोडपति बन गया, उसका भगवान ही मालिक है। बाकी भैया दीदी आपको आज की छत पसंद आई हो तो फौरन वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को बिना बोले सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सुन रहे थे जक्की लाल, जो बातों बातों में कर देते हैं लाल। इनकी बातों का अंदाज है निराला, सुनते रहिए लेके चाय का प्याला। चलते हैं।